गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएसटी स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर 12 वेदर एंड सीजंस। ओके, इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रू फॉल्स पढ़े थे एंड जो टुडेज वर्क है वो फिलिंदा ब्लैंक्स है। यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स जो है वो आपको एक पिक्चर दी है, आप उसके हेल्प से आपको फिलिंदा ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे वी एंजॉय कूल ड्रिंक्स इन द सीजन। यहाँ आपको पूछा है कि कूल ड्रिंक्स जो है वो हम किस सीजन में एंजॉय करते हैं। वैसे तो ये सिंपल है, हम बता सकते हैं, बट यहाँ आपको इस टाइप की पिक्चर दी गई है, इसको आप इसकी हेल्प से आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पे ये जो है यहाँ ये समर सीजन होगा। ओके, सो आप यहाँ समर सीजन फिल करेंगे। ओके, समर SUMMER समर सीजन होता है जो गर्मी की ऋतु होती है और इसमें हम कूल ड्रिंक्स पीते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्या समर फिल करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीज कैट देयर लीव्स इन द, यहाँ पे आपसे पूछा है जो पेड़ है वो उसकी जो पत्तियां गिरती है तो वो किस सीजन में गिरती है, तो वो ऑटम सीजन में गिरती है। इस टाइप से यहाँ ये ट्री बना हुआ है और ये ट्री इस टाइप से यहाँ पत्तियां गिर रही हैं, तो ये ऑटम सीजन में गिरती हैं, तो आप यहाँ पे ऑटम फिल करेंगे। ओके, AUTUMN ओके, ऑटम सीजन, ट्री सेट देयर लीव इन द ऑटम सीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लावर ब्लूम इन द सीजन, फूल किस मौसम में खिलते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो फूल है वो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। इस टाइप से यहाँ फ्लावर दिया गया एंड ये पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग लिखना है, स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग सीजन। ओके, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट यहाँ पे वी लव टू हैव हॉट सूप इन द, यहाँ आपसे पूछा है कि जो हॉट सूप होता है उसे हम कब पसंद, किस सीजन में पीना पसंद करते हैं, तो आप इस टाइप से देख रहे हैं, यहाँ पर देखो स्नोफॉल हो रहा है एंड यहाँ पर विंटर सीजन, ठीक है, तो आप यहाँ विंटर सीजन फील करेंगे, विंटर WINTER विंटर। वी लव टू हैव हॉट सूप इन द विंटर सीजन। नेक्स्ट आप वी शेल पेपर वॉट्स इन द सीजन, यहाँ पर पेपर वॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पेपर वॉट जो नहीं होता ना, पेपर भी बनाते हैं उस, वो हम कब पानी में चलाते हैं, पानी में चलाते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप पे जब रेनी सीजन होता बारिश होती है तब। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बारिश होते हुए दिखाई जा रही है एंड यहाँ पर आपको लिखना है रेनी सीजन। यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, या तो आप मानसून लिखो, ओके मानसून, ओके, या आप एक वर्ड और लिख सकते हो रेनी सीजन। ओके, बिकॉज सीजन दिया गया इसके अकॉर्डिंग हम रेनी सीजन कर सकते हैं, जैसे मानसून का मतलब भी होता है बारिश है। एंड वी शेल पेपर वॉट्स इन द मानसून या रेनी सीजन। ओके, सो होमवर्क में आपका राइट एंड लर्न, ये आपके जो फिलिंदा ब्लैंक्स थे इनको आपको लिख लेना और लर्न कर लेना और बुक को तो उसमें फिल कर लेना। इसके आगे की एक्सरसाइज जो है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।